सो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप सभी को आज हम काफ़ी बढ़िया टीम देने वाले हैं। दोस्तों पहली गलती हमने जो कर चुके हैं, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बीच का जो फर्स्ट ODI मैच था उसमें हमने कुछ गलतियां की जिससे कि हमारा रैंक 1 से 20 के बीच में नहीं आ पाया। क्योंकि दोस्तों आप सभी वीडियो ध्यान से नहीं देख होगे इसलिए आपका नहीं आया। मेरा दोस्तों कुछ खास भी नहीं आया है मेरा भी, क्योंकि दोस्तों हम लोग वो गलती किए थे जो कि इस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे जो कि पिछले वीडियो में हम गलती किए थे उसके बारे में अच्छे से आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। चैनल से जुड़ने से आपको काफ़ी सारे कुछ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं जिससे कि आप सभी काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाओगे। चैनल से जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों आप सभी को सबसे पहले हम लोग यहाँ बताना चाहेंगे कल के मैच के बारे में, जो कि हमने कल नहीं परसों, दोस्तों परसों जो मैच हुआ था इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बीच में, उसमें हमने कुछ खास रैंक नहीं ला पाए हैं। क्यों नहीं ले पाए हैं दोस्तों? क्योंकि हमने उसमें काफ़ी सारी गलतियाँ की थी, जल्दबाजी में टीम को सिलेक्ट किया था जिससे कि हमारी टीम रैंक 1 प्राप्त नहीं हो पाई है। इसलिए आप सभी को ध्यान देना है कि इस वीडियो में आपको बिल्कुल ही ध्यान से आपको वीडियो को वॉच करना है जिससे कि आप सभी के रैंक 1 आ ही सके। देखिए रैंक 1 लाना कुछ बहुत बड़ा बात नहीं है, अगर आप सभी चाहोगे थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आपका भी रैंक 1 आ सकता है बिल्कुल आराम से। तो सबसे पहले हम लोग रैंक 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? तो देखिए आपको कुछ करना नहीं है, लास्ट तक वीडियो देखना है जिससे कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आए। और आपको बता दें कैप्टन वाइस कैप्टन लेने में काफ़ी सारी गलतियाँ होती हैं, सबसे होती हैं, मेरे से भी हुई थी पिछले वीडियो में, तो इसलिए हमारे जो प्रिडिक्शन थे कुछ खास आग नहीं लगा पाए ड्रीम इलेवन पर। आज की प्रिडिक्शन हमारे ड्रीम इलेवन पे आग लगा के ही देगी आप सभी को। सबसे पहले आपको ड्रीम में किसको किसको लेना है और जो हमारे पिच रिपोर्ट क्या है, एवरेज स्कोर, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो लास्ट तक वीडियो से बने रहिएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे कि एवरेज स्कोर कितना बनता है, किसके किसके बीच मुकाबला, ये हम लोग बार बार बोल रहे हैं इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज़ के बीच का मुकाबला है ये, और सेकंड ODI मैच है। फर्स्ट में हमने कुछ खास नहीं कमा पाया है, कमाया है लेकिन कुछ खास नहीं, लेकिन इस मैच में आपको कुछ बड़ा करना है, बड़ा करने के लिए कुछ मेहनत करना होगा। तो सबसे पहले आप सभी टीम को देख लीजिएगा, टीम को देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना है पिच रिपोर्ट की तरफ, पिच रिपोर्ट कैसी है, पिच रिपोर्ट कैसी है। पिच रिपोर्ट अगर अच्छी है बैट्समैन के हिसाब से तो बैट्समैन को हम लोग को ज़्यादा लेना है, अगर बॉलिंग के हिसाब से अच्छा है पिच रिपोर्ट तो बॉलर्स को ज़्यादा लेना है अपने टीम में। ये आपको ज़्यादा ध्यान देना है पिच रिपोर्ट, और पिच रिपोर्ट आपको ध्यान देना है और इस पिच पर कौन सा खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर पा रहा है वो आपको देखना है, थोड़ा सा डिटेल्स आपको भी देखना होगा। सबसे पहले हम बता देते हैं पिच रिपोर्ट जो है आज की हमारी, वो है बॉलिंग पिच। आप सभी यहां पे देख पा रहे हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पे साइड में बॉलिंग पिच है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पेसर्स, गुड फॉर पेसर्स लिखा हुआ है यहाँ पर, गुड फॉर पेस यानी कि पेसर्स यानी कि जो तेज़ गेंदबाज हैं उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। इस वीडियो में बता दे रहे हैं आप सभी को कि इस पिच पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है पेसर्स को, रिकॉर्ड्स के हिसाब से जो लिखा हुआ है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। एवरेज स्कोर यहाँ पे 205 और वही पुराना स्टेडियम जो पिछले वीडियो में हमने बताया था, स्टेडियम से आपको कुछ रिलेटेड नहीं रखना है। पिच रिपोर्ट जानिए पेसर्स को फ़ायदा मिलेगा या स्पिनर्स को, उसके बारे में जानिए, एवरेज स्कोर के बारे में जानिए, ये आप सभी के लिए सबसे मेन पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि किसके किसके बीच मुकाबला हो रहा है, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बीच मुकाबला हो रहा है, एक बार फिर से हमने बता दिया इस वीडियो में। अब ध्यान दीजिएगा आप सभी कि सबसे पहली बात कि किन किन खिलाड़ियों को हम लोग को विकेट कीपिंग से लेना है, फिर बैटिंग से, फिर ऑलराउंडर से, फिर बॉलर से। हम लोग को ऐसे खिलाड़ी को लेना है जिससे कि ये जितने खिलाड़ी लें सभी कुछ ना कुछ पॉइंट दे के जाएँ, कुछ नहीं देने से अच्छा कुछ दे के जाओ, ये मेरे लिए सबसे अच्छा चीज़ लगता है कि आप कुछ नहीं करो उससे बढ़िया कुछ करके जाओ, ठीक है। तो विकेट कीपिंग से हम लोग सबसे पहले टीम की ओर चलते हैं। एस होप को ले लीजिए अपने टीम में, ये आपको हर मैच में अच्छा खेल के दे रहे हैं, पिछले मैच में भी अच्छा खेले थे। और ईशान किशन की बात कर लें, ईशान किशन को आपको लेना ही लेना है, पिछले मैच में इंडिया के साइड से सबसे अच्छे खेलने वाले खिलाड़ी मेरे को तो यही लगते हैं, जो कि ईशान किशन ने पिछले मैच में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, तो ईशान किशन को ले लिए हैं हमने और एस होप को ले लिया है। ये दोनों खिलाड़ी आप सभी को विकेट कीपिंग से बहुत ही अच्छा पॉइंट देने वाला है, और विकेट कीपिंग नहीं बैटिंग से बहुत ही अच्छा पॉइंट देने वाला है। उसके बाद विकेट कीपिंग से बात कर लेते हैं, तो विकेट कीपिंग में अगर स्टंपिंग करते हैं तो उसमें पॉइंट मिलेगा, कैच पकड़ते हैं तो रन आउट करते हैं तब भी पॉइंट मिलेगा, तो ये पॉइंट से भरे मतलब आपके खिलाड़ी हैं, ये दोनों खिलाड़ी जो हैं ये पॉइंट से भरे हैं, पॉइंट्स अगर आपको लेना है तो ये इन खिलाड़ी को लेना ही पड़ेगा, ठीक है।
अब हम लोग चलते हैं बैटिंग सेक्शन की तरफ, जो कि बल्लेबाजों की तरफ। बल्लेबाज रोहित शर्मा को ले लीजिएगा। पिछले मैच में हमने इन्हें ड्रॉप किया था। कुछ फार खास प्रदर्शन तो पिछले मैच में भी नहीं किया था इन्होंने, लेकिन इस मैच में अच्छा कर सकते हैं क्योंकि एक मैच उस पिच पर हो चुकी है। तो दूसरे मैच में रोहित शर्मा शायद कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ, इसलिए आपको ध्यान देना है इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। और विराट कोहली को ले लीजिएगा। शुभमन गिल, सिमरन हेटमायर और सूर्य कुमार यादव को नहीं लेना है पिछले मैच की तरह। नीचे कुछ खास खिलाड़ी नहीं दिख रहे हैं जिससे कि आपको पॉइंट मिले। ऋतुराज गायकवाड़ दिख रहे हैं लेकिन ये खेलेंगे हैं नहीं, क्योंकि इनको एक्स्ट्रा में खिलाया जाएगा, बैठे होंगे। अगर ये खेलते तो मैं इनको वाइस कैप्टन के लिए भी ले लेता, क्योंकि हर अच्छे सबसे अच्छे खिलाड़ी लगते हैं ऋतुराज। अभी इनको भले ही इंडिया मौका दिया जा रहा है लेकिन खिलाया नहीं जा रहा है, प्लेइंग 11 में नहीं लाया जा रहा है, प्लेइंग 50 में लाया जा रहा है, यानी कि बैठने के लिए एक्स्ट्रा प्लेयर में। विराट कोहली को ले लीजिए, शुभमन गिल को, सिमरन हेटमायर। हमने बैटिंग से चार खिलाड़ियों का चयन किया है। ये चारों खिलाड़ी आप सभी को पॉइंट से भरे खिलाड़ी बन सकते हैं, ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी भी हो सकते हैं इन चारों में से। विराट कोहली भी हो सकते हैं, रोहित शर्मा भी हो सकते हैं, शुभमन गिल भी, या फिर सिमरन हेटमायर वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी। इन चारों पर आपको ध्यान देना है, ये चार खिलाड़ी आपको पॉइंट दे सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शन, जो कि हमने हर मैच हर वीडियो में बताया है कि ऑलराउंडर सेक्शन के तीन फॉर्मेट होते हैं। तीन फॉर्मेट, पहला होता है बॉलिंग, दूसरा होता है बैटिंग, तीसरा होता है फील्डिंग। अगर तीनों में अगर कोई भी खिलाड़ी आपको लगता है कि तीनों में अच्छा है तो आप उसको ले लीजिए। और कैप्टन वाइस कैप्टन भी आपको ऑलराउंडर सेक्शन से ही लेना है, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी अच्छा खिलाड़ी मिल सकता है जिससे कि आपको पॉइंट दे सके। अब देख लीजिए, हम लोग बात कर लेते हैं, सबसे पहले हार्दिक पांड्या की तरफ चलते हैं। हार्दिक पांड्या आपको 2 से 3 ओवर फेंकते हुए भी नज़र आएंगे, अगर विकेट मिलती है तो और अच्छी बात है, वरना बैटिंग से आपको पॉइंट दे देंगे, फील्डिंग से भी आपको अच्छे करते हुए नज़र आएंगे। तो ये तीनों फॉर्मेट में मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद आप सभी देख लीजिए, रविंद्र जडेजा, जो कि IPL को 2023 में इन्होंने ही विन कराया। लास्ट मैच में 2 बॉल पर 10 रनों की ज़रूरत थी, लास्ट के फर्स्ट बॉल मतलब लास्ट के सेकेंड बॉल में इन्होंने 6 लगाया, उसके लास्ट बॉल पे इन्होंने चौका मार दिया, जिससे कि CSK विन कर ली 2024 के। उस पर आप ध्यान ना दें, अभी ध्यान दीजिए कि ये तीनों फॉर्मेट आप सभी तो अपने से खुद से जानते होंगे कि इससे बढ़िया कोई भी दूर का खिलाड़ी, मतलब कोई भी इससे बढ़िया दूर से थ्रो नहीं कर सकता है रविंद्र जडेजा के अलावा। दूर से कितने भी दूर हो, रविंद्र जडेजा अच्छा थ्रो करते हैं, और उसके बावजूद थ्रो भी अच्छा करते हैं, बैटिंग भी आप सभी IPL में भी देखे होंगे, ऐसे नॉर्मल मैच में भी ये काफ़ी अच्छा खेलते हैं जिससे कि आपको पॉइंट मिल सकता है। आप सभी को ध्यान देना है कि किन खिलाड़ियों को हम लोग ले रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे रविंद्र जडेजा को भी ले लेना है तीनों फॉर्मेट में, ये भी काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं आप सभी के लिए। रविंद्र जडेजा इनको ले लीजिए ध्यान से, रविंद्र जडेजा कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी आप सभी जा सकते हैं। काफ़ी पसीना आ रहा है दोस्तों, काफ़ी गर्मी है, इसलिए आपको इधर नहीं मोबाइल पे ध्यान देना है, जो कि आपको बगल में स्क्रीन दिख रहा होगा उस पे ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद आप सभी काइल मायर्स को ले लीजिएगा, जो कि यहाँ पे दिख रहे होंगे घुंघरेले बाल वाले काइल मायर्स। ये तीन खिलाड़ी हम लोग ले रहे हैं ऑलराउंडर सेक्शन से, जो कि तीनों खिलाड़ी काफ़ी जाने माने हैं, अच्छे हीटर्स हैं, काफ़ी अच्छा रन और बहुत ही अच्छा ओवर निकाल के चले जाते हैं। तो ये तीन खिलाड़ी हैं। पिछले मैच में सबसे अच्छा इन तीनों में से रविंद्र जडेजा ने खेला था, जो कि मेरे को हमेशा लगते हैं कि हर मैच में ये आपको पॉइंट देंगे। बॉलिंग सेक्शन की तरफ चलते हैं। अलजारी जोसेफ, जो कि पिछले मैच में नहीं दिए हैं बिल्कुल पॉइंट, ड्रॉप हो चुके थे। हमने टीम बनाया था, दूसरी टीम वहाँ पर टेलीग्राम पर दी थी। अगर आप सभी नहीं जुड़े होंगे तो आप सभी के लिए गलती है। हमने बताया था कि अगर कोई भी खिलाड़ी एक्स्ट्रा में बैठता हुआ नज़र आएगा तो आप सभी को तुरंत से टेलीग्राम पर आपको टीम दे दी जाएगी, न्यू टीम, जिससे कि आपको काफ़ी बढ़िया पॉइंट ला पाओ और अच्छा पैसा कमा पाओ। अगर आप सभी टेलीग्राम से नहीं जुड़े होगे तो आप सभी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा पिछला मैच। अगर अभी भी नहीं जुड़े हो तो आप सभी को बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा हमारा, उस पर आपको ज्वाइन कर लेना है। शाम के टाइम ऑनलाइन आ जाएगा 10 मिनट के लिए, बस आपका 10 मिनट या 5 मिनट लेंगे, जिसमें कि अगर इसमें से हम इस टीम में से कोई भी चेंज होता है 11 में से इन खिलाड़ियों में से, तो तुरंत से दूसरी टीम बनाकर आप सभी को दे देंगे। सबसे पहले आपको कुलदीप यादव को लेना है। वाइस कैप्टन के लिए भी आप चूज़ कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। वाइस कैप्टन युजवेंद्र चहल, जो कि पिछले मैच में बैठते हुए नज़र आए थे, नहीं खेला है, इनको इस मैच में भी शायद मौका मिले, इसलिए शार्दुल ठाकुर की तरफ चलेंगे हम लोग। शार्दुल ठाकुर को ले लिया है हमने, और हमारी ये जो ड्रीम टीम जो हो 11 बन चुकी है। अब हम लोग चलते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, कैप्टन किसे ले, वाइस कैप्टन किसे ले, ये है सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों। आप सभी को ध्यान देना है कैप्टन के लिए किसको लेना है और वाइस कैप्टन के लिए।
तो वाइस कैप्टन के लिए सबसे पहले हम लोग बताना चाहेंगे आप सभी को, वाइस कैप्टन आप सभी के लिए रहेंगे विराट कोहली सबसे बेस्ट। तो वाइस कैप्टन आपको किसको लेना है, विराट कोहली, जो कि आप सभी को जाने माने खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर ऑलराउंडर बैट्समैन हैं, काफ़ी बढ़िया खिलाड़ी हैं। वाइस कैप्टन लेना है आपको विराट कोहली को, और कैप्टन के लिए आप जा सकते हैं रविंद्र जडेजा, जो कि पिछले मैच में सबसे अच्छा प्रदर्शन किए थे इंडिया के साइड से, और एक और खिलाड़ी थे जो ईशान किशन थे, विकेट कीपिंग कर रहे थे। तो ये दो खिलाड़ी आपको पिछले मैच में अच्छा पॉइंट दिए थे। इस मैच में आपको विराट कोहली को वाइस कैप्टन और कैप्टन रविंद्र जडेजा, थोड़ा सा टीम को सेव कर लेते हैं जिससे कि आपको टीम को देखने में बिल्कुल ही दिक्कत ना पड़े। तो देखिए सबसे पहले टीम जो है हमारी कुछ इस तरह की बन के तैयार हो चुकी है, जिससे आपको बहुत ही अच्छा पॉइंट मिलने वाला है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमने वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों को लिया है, एस होप को लिया है, फिर ईशान किशन को लिया है विकेट कीपिंग की तरफ से, शुभमन गिल को लिया है बैटिंग से, सिमरन हेटमायर वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, काइल मायर्स, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, ये है आज की हमारी ड्रीम इलेवन टीम। हमने काफ़ी सारे खिलाड़ी वेस्ट इंडीज़ के बहुत ही कम खिलाड़ी के लिए, क्योंकि वो सारे खिलाड़ी कुछ अच्छा करेंगे कि नहीं करेंगे उनके बारे में तो मेरे कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन इंडिया के खिलाड़ी अच्छा कर सकते हैं इसके बारे में मैं ज़्यादा जानता हूँ।